हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मातृत्व स्वस्थ। आज मैं प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड के बारे में बताऊंगी। प्रेगनेंसी में फर्स्ट अल्ट्रासाउंड गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अर्ली प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड दो तरह से किया जाता है, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड एंड ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड अर्ली प्रेगनेंसी यानी 5 to 6 वीक्स के प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है और आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी रूल आउट करने के लिए किया जाता है। और अगर आपकी प्रेगनेंसी 6 to 8 वीक की है तो आपको ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड किया जाता है। आज मैं आपको प्रेगनेंसी में फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कब कराना चाहिए, बच्चे की हार्ट बीट कब आती है, बच्चे की हार्ट बीट नहीं आने के क्या कारण होते हैं, बच्चे के फीटल हार्ट कितना होता है और बच्चे की हार्ट बीट नहीं आने पर क्या करना है। प्रेगनेंसी में फर्स्ट अल्ट्रासाउंड पहले 3 महीने के अंदर करा लेना चाहिए। आप पहले 3 महीना यानी आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से जब आप कैलकुलेट करेंगे अपना जेस्टेशनल एज, तो उससे आप अपना एज जेस्टेशनल एज कैलकुलेट कर 3 महीने कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है अल्ट्रासाउंड फर्स्ट 3 मंथ्स में करवाना? पहला इम्पॉर्टेंट तो ये है कि इससे पता चलता है कि बच्चा आपका यूट्रस में है या यूट्रस के बाहर तो नहीं है, ट्यूब में तो नहीं है। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात है कि बच्चे की एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी मोस्ट एक्यूरेटली फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन से ही निकाला जाता है। अगर आप LMP के बारे में यानी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के बारे में श्योर नहीं है तो डेट ऑफ डिलीवरी जो है आप इसी स्कैन से अपना एक्यूरेटली पता कर सकते। तो आप प्रेगनेंसी में 1.5 से 2 महीने के बीच में यानी 6 से 8 हफ्ते के बीच में जाकर आपको अपना फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराना है। इसमें फीटल हार्ट रेट जो होता है, अगर आपका प्रेगनेंसी 5 to 6 वीक का है तो 100 to 115 होता है, 8 वीक का है तो 130 to 159 होता है, और जब प्रेगनेंसी 9 वीक का हो जाता है तो फीटल हार्ट रेट 137 to 144 होता है। बच्चे का हार्ट बीट 6 वीक में अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट हो जाता है। अगर बच्चे की धड़कन अल्ट्रासाउंड में 6 से 8 हफ्ते के बीच नहीं आती है तो आपको 10 से 14 दिन तक और वेट करना पड़ता है बच्चे की धड़कन आने के लिए। डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि रिपीट अल्ट्रासाउंड आफ्टर 10 to 14 डेज दोबारा करना है। अगर 14 डेज के बाद भी अगर बच्चे की धड़कन नहीं आती है तो वो बच्चा स्पॉन्टेनियसली एबॉर्ट हो जाता है या उसे मेडिकली और सर्जिकली एबॉर्ट करवाना पड़ता है। 10 से 14 दिन तक उन्हीं गर्भवती महिलाओं को वेट करने के लिए बोला जाता है जिनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रोलॉन्ग्ड होती है यानी 35 से 40 हफ्ते की होती है। ये 10 से 14 दिन आपको फोलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन दिया जाता है और प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट दिया जाता है। प्रोजेस्टेरोन में आपको वीकली इंजेक्शन देते हैं या प्रोजेस्टेरोन टैबलेट देते हैं सुबह शाम आपको खाने के लिए। उसके बाद दोबारा आपको 14 दिन के बाद अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाया जाता है। बच्चे की धड़कन नहीं आने की वजह जो होती है वो है बच्चे के हार्ट में कार्डियक एनोमलीज होना, और दूसरी है जेनेटिक यानी कि क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज़ के कारण भी बच्चे की धड़कन नहीं आती है। अगर बच्चे की धड़कन नहीं आई है, बच्चा एबॉर्ट कराना पड़ रहा है, तो उसके बाद अगला बच्चा प्लान करने से पहले आपको कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, टॉर्च जैसे टॉक्सोप्लाज्मा, रूबेला, साइटोमेगाला एंड हर्पिस वायरस के जो इन्फेक्शन होते हैं उसके टेस्ट, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी और सीरम TSH तो अवश्य ही करा लेना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, तो ये थी जानकारी। अगर बच्चे की धड़कन नहीं आई है तो इसमें घबराना नहीं है, आप जाकर सारे टेस्ट कराएं और टेस्ट में कुछ कमी आती है, मान लीजिए आप हाइपोथायराइड हैं या आपको कोई इन्फेक्शन है, तो उसका इलाज कराएं और बिल्कुल अगली बार आपके बच्चे की धड़कन ज़रूर आएगी, ऐसे मैं दुआ करती हूँ। अगर आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड किसी प्रकार की जानकारी चाहती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी क्वेश्चन
लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर करूँगी। मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।